उम्मीद करता हूँ आप होंगे खैरियत से। तो दोस्तों जो वीडियो मैंने आपको प्रीमियर प्ले करके दिखाई, हीरो का ट्रांजिशन टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अगर आप इस तरह की वीडियो बनाकर टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो, आपकी वीडियो अच्छी खासी वायरल हो सकती है और आपको अच्छे खासी लाइक्स और फॉलोअर जो है वो मिल सकते हैं। वीडियो बनाना बहुत ज्यादा आसान और सिंपल तरीका है। बस दोस्तों आपको इस छोटी सी वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। दोस्तों इस वीडियो में जिस मटेरियल का यूज करने वाला हूँ सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो इजीली इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने बाइक को जान ले, मैं हूं प्रिंस अलियास और आप देख रहे हैं टैंक कलर अलियास। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के चलते हैं मोबाइल स्क्रीन तरफ और मैं आपको बताता हूँ वीडियो में किस तरह से एडिट करनी है। तो लेट्स मूव। दोस्तों मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम कैपकट एप्लीकेशन को जो है वो ओपन कर लेते हैं। अगर आप इंडिया में मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है, फिर ही आपका जो कैपकट एप्लीकेशन है वो काम करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको एक छोटी सी वीडियो शूट करनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको वीडियो शूट करनी है। वीडियो शूट करने के बाद दोस्तों उसको मैं कर दूँगा सेलेक्ट, इसके बाद दोस्तों उसको कर देंगे ऐड। दोस्तों कुछ इस तरह से आपने वीडियो शूट कर लेनी है 8-10 सेकंड की, तो मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों उसका वॉल्यूम जो है वो हम यहाँ से कर देंगे म्यूट, तो मैं वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से 8-10 सेकंड की आपने वीडियो वॉच करनी है। इसके बाद दोस्तों वीडियो के आखिर में जाएंगे, जो फालतू के हिस्से होगा उसको हम कर देंगे डिलीट, तो मैं कर देता हूँ। आखिर में वाटर मार्क है इस पर क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से कर देंगे डिलीट। देन दोस्तों अपनी वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसके स्पीड में जाएंगे, स्पीड में जाने के बाद दोस्तों नॉर्मल में जाएंगे और स्पीड को हम 0.6 पे कर देंगे, तो मैं कर देता हूँ। यहाँ से इस एरो पे क्लिक करेंगे, पहले वाले पे कर देंगे क्लिक और यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये थोड़ा सा लोडिंग यहाँ पर लेगा और हमारी जो वीडियो है वो स्लो मो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी वीडियो में जो है वो स्लो मो लग चुका है। वीडियो में स्लो मो लगाने के बाद दोस्तों हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, यानी कि 16 सेकंड तक हो चुकी है, तो उसको हम 12 सेकंड तक कर लेंगे, तो मैं कर देता हूँ। तो ये 12 सेकंड की हो चुकी है यहाँ तक, एक मतलब वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे स्प्लिट, ये सब फालतू का है, इसको पकड़ेंगे यहाँ से कर देंगे डिलीट। देन दोस्तों यहाँ से वीडियो को शुरू में आएंगे, वीडियो को शुरू में आने के बाद दोस्तों ओवरले में जाएंगे, ओवरले में जाने के बाद दोस्तों ऐड ओवरले में जाना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ जाएंगे फोटो में, इस वाले पिक को आपने सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं कर देता हूँ और यहाँ से कर दूंगा ऐड। तो तकरीबन दोस्तों इस पोजीशन पे आने के बाद दोस्तों उसको आपने कर देंगे ट्रिम, ट्रिम करने के बाद दोस्तों उसको थोड़ा सा कर देंगे छोटा। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर हम वीडियो के हिसाब से मैच कर देंगे, यानी कि वीडियो के साथ लेवल कर देंगे इसको। देन दोस्तों यहाँ से वीडियो को शुरू में आएंगे, इसके बाद दोस्तों में दिल पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ जाएंगे प्लस में, प्लस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों उसको पकड़ेंगे इधर रख देंगे ऐसे। देन दोस्तों यहाँ से वीडियो को आगे करेंगे और हाथ जो है वो ऊपर आ रहा है, इसको पकड़ेंगे ऊपर कर देंगे ऐसे। जहाँ जहाँ आपका हाथ जाएगा इस दिल को भी आपने पकड़ पकड़ के वहाँ पर रखना है। दोस्तों मैं यहाँ से वीडियो को फिर आगे कर लेता हूँ, मेरा हाथ नीचे आ रहा है, इसको पकड़ेंगे थोड़ा सा नीचे कर देंगे। देन दोस्तों वीडियो को फिर आगे करूँगा, इसको भी नीचे कर देंगे। देन वीडियो को आगे करूँगा, मेरा हाथ ऊपर को आ रहा है, इसको थोड़ा सा कर देंगे ऊपर। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये करने के बाद दोस्तों आपको वीडियो को शुरू में आना होगा, वीडियो को शुरू में आने के बाद दोस्तों आप यहाँ से कर देंगे बैक, यहाँ जाएंगे ऐड ओवरले में। इसके बाद दोस्तों आपको ये फाइल वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है, तो मैं कर देता हूँ और यहाँ से कर दूँगा ऐड। इसके बाद दोस्तों ये वीडियो जो है वो छोटी है, इसके स्पीड में जाएंगे, स्पीड में जाने के बाद दोस्तों नॉर्मल में जाएंगे, इसको 0.8 कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से कर देना बैक, यहाँ से जाएंगे ब्लेंड में। इसके बाद दोस्तों आपने इसको कर देना फिल्टर, फिल्टर करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से कर देना ओके। ओके करने के बाद दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा आगे करेंगे, यहाँ पर दोस्तों मैंने दिल को अप्लाई किया हुआ है, यहाँ तक आने के बाद दोस्तों इसको कर देंगे ट्रिम और इसको पकड़ेंगे दिल पर रख देंगे ऐसे। देन दोस्तों यहाँ से आपको प्लस वाले ऑप्शन में फिर जाना है, वीडियो को आगे करेंगे, यहाँ पर हमारा दिल जाएगा, इस आग को पकड़ेंगे उधर उधर रखेंगे, तो मैं कर लेता हूँ, वीडियो को आगे करूँगा, इसको ऊपर कर दूँगा ऐसे। देन दोस्तों वीडियो को फिर आगे करूँगा, इसको भी ऊपर कर दूँगा ऐसे। देन दोस्तों वीडियो को फिर आगे करूँगा, इसको इस साइड पे कर दूँगा। देन दोस्तों यहाँ से वीडियो को फिर आगे करूँगा, इसको इस साइड पे कर दूँगा ऐसे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी आग वाली जो वीडियो है वो कम पड़ गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे बैक, ऐड वाले में फिर जाएंगे और इस वीडियो को हम फिर कर देंगे सेलेक्ट और यहाँ से कर देंगे ओके। देन दोस्तों ब्लेंड में फिर जाएंगे, इसको कर देंगे फिल्टर और इसको रख देंगे इसके ऊपर ऐसे और यहाँ से कर देंगे ओके। प्लस में जाएंगे, वीडियो को आगे करेंगे, ये फायर इफेक्ट भी हमारी वीडियो में अप्लाई हो चुका है, जितनी हमारी वीडियो होगी उतना रखेंगे, बाकी कर देंगे ट्रिम। तो हमारी वीडियो इतनी है, इसको पकड़ेंगे यहाँ से कर देंगे स्प्लिट, ये इसे फालतू का है, इसको हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद दोस्तों इस वीडियो को हमें एक्सपोर्ट करना होगा, तो मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे प्लस में, प्लस में जाने के बाद दोस्तों आपको फोटो में जाना होगा। ऐसे दोस्तों आप कोई भी अपनी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेना, तो यहाँ से मैं अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कर दूँगा ऐड। ऐड करने के बाद दोस्तों इसका लेंथ तकरीबन 12 सेकंड तक कर लेंगे, तो मैं कर देता हूँ। आखिर में वाटर मार्क है, इस पर क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से कर देंगे डिलीट। देन दोस्तों वीडियो को शुरू में आएंगे, वीडियो को शुरू में आने के बाद दोस्तों ओवरले में जाएंगे, ओवरले में जाने के बाद दोस्तों ऐड ओवरले में जाएंगे
और यहाँ से जाएंगे वीडियो में। इसके बाद दोस्तों इस वाली वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑडियो ऑप्शन मिल जाता है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इससे दोस्तों इस वीडियो को जो ऑडियो है वो निकल के बाहर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस ऑडियो पर क्लिक करेंगे, इसके वॉल्यूम में जाएंगे और इसके वॉल्यूम को 10 सेकंड पर कर देंगे। तो मैं कर देता हूँ और यहाँ से कर दूँगा ओके। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे बैक। बैक करने के बाद दोस्तों इस ब्लैक सेकंड वाली वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों स्पीड में जाएंगे, नॉर्मल में जाएंगे, इसको 0.9 पे कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों दो फिंगर से कर देंगे फुल स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ पर ये काच हमें नज़र आ जाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे बैक, ब्लेंड में जाएंगे। ब्लेंड में जाने के बाद दोस्तों उसको भी कर देंगे फिल्टर और यहाँ से कर देंगे ओके। अभी दोस्तों यहाँ से वीडियो को शुरू में आएंगे और वीडियो को प्ले कर लेते हैं। तो तकरीबन दोस्तों इस पोजीशन पे आने के बाद दोस्तों अपने फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मतलब प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वीडियो को प्ले कर लेते हैं। तकरीबन दोस्तों 2 सेकंड वीडियो को प्ले करने के बाद दोस्तों अपनी पिक को पकड़ेंगे, जूम कर देंगे ऐसे और उसको लाके इधर रख देंगे ऐसे। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आगे जाएंगे, इसके ओपेसिटी में जाएंगे और उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों कांच वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मतलब प्लस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों 2 सेकंड वीडियो को फिर प्ले करेंगे। इसके बाद दोस्तों कांच वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ पर हमें फ्रीज वाला ऑप्शन मिल जाता है, हम इसको कर देंगे फ्रीज़। फ्रीज है दोस्तों इसकी जो इमेज है वो निकल के बाहर आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों जो ये वाली वीडियो है इसको फिंगर से प्रेस करके रखेंगे, ऊपर से नीचे कर देंगे और उसको पीछे ले जाएंगे, यहाँ पर 2 सेकंड तक हमने वीडियो को प्ले किया हुआ था। इसके बाद दोस्तों उस इमेज पर क्लिक करेंगे जिसको हमने फ्रीज़ किया था, तो ये वाली है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम वीडियो के हिसाब से मैच कर लेंगे, वीडियो को बराबर कर लेते हैं इसको। देन दोस्तों यहाँ से पीछे आएंगे जहाँ पर ये इमेज शुरू हो रही है। इसके बाद दोस्तों को 2 फिंगर से कर देंगे जूम और उसको ला के नीचे रख देंगे ऐसे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कर देना बैक, ऐड वाले में जाएंगे। वाले में जाने के बाद दोस्तों आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को हमने एक्सपोर्ट किया था। तो मैं कर लेता हूँ जल्दी से, मेरी ये वीडियो है इसमें कर दूँगा सिलेक्ट और यहाँ से कर दूँगा ऐड। तो ये वीडियो हमारी जो से आके ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों उसको कर देंगे छोटा और उसको ला के इधर रख देंगे ऐसे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से जाएंगे ब्लेंड में, उसके बाद दोस्तों उसको भी कर देंगे फिल्टर और यहाँ से कर देंगे ओके। इसको थोड़ा सा कर देंगे छोटा और ला के इधर रख देंगे ऐसे। इसके बाद दोस्तों वीडियो के आखिर में जाएंगे, वीडियो के आखिर में जाने के बाद दोस्तों सब लेयर को हमें वीडियो के हिसाब से मैच करना होगा। तो मैं कर लेता हूँ। देन दोस्तों यहाँ से वीडियो को शुरू में आएंगे और यहाँ से कर देंगे बैक, ऐड वाले में जाएंगे। ऐड वाले में जाने के बाद दोस्तों इस ब्लैक स्क्रीन वाली वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं कर देता हूँ और यहाँ से कर दूँगा ऐड। ऐड करने के बाद दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा आगे करेंगे जहाँ पर ये नज़र आ जाए। इसके बाद दोस्तों जाएंगे ब्लेंड में, ब्लेंड में जाने के बाद दोस्तों जाएंगे फिल्टर में और यहाँ से कर देंगे ओके। इसको थोड़ा सा कर देंगे जूम और पकड़ के सेंटर में कर देंगे इसको। देन दोस्तों यहाँ से वीडियो के आखिर में जाएंगे, जितनी वीडियो की इस वीडियो को उतना रखेंगे, बाकी कर देंगे ट्रिम। तो मैं कर देता हूँ, यहाँ से कर दूँगा स्प्लिट, ये सब फालतू का, इसको यहाँ से कर देंगे डिलीट। तो वीडियो हमारी बन के तैयार हो चुकी है, मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो हमारी बहुत ही अच्छी बन चुकी है। अगर आप वीडियो को एच डी क्वालिटी में सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो कर दो लाइक, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आराम से पहुंच सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहे, आबाद रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।